आपका बायोटिक चैनल स्वागत है। तो बच्चों आज जो है ह्यूमन लीवर आर इसको हिपार हिपार कहते हैं, वो ह्यूमन लीवर या इसको कहते हैं हिपार कहते हैं। लेकिन लीवर को पढ़ने के पहले आप चैनल को बायोटिक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे फायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है आपके पास तक पहुंचती रहती है, और इसको शेयर कर दीजिए। इससे फायदा होता है कि आपके मित्र यार जो हैं उनके पास तो वीडियो पहुंचता रहेगा। और अगर कोई क्यूरी है तो इस कांटेक्ट नंबर पर जो है इस पे आप जो है क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि इसमें हमने इसको फिजियोलॉजी पोर्शन को हमने जो है इसको पुटअप किया हुआ है। तो अब आता है कि फिजियोलॉजी पोर्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी पोर्शन चल रहा है, और आज पार्ट 15 पार्ट है वो। तो इस ये क्या होता है कि लीवर को इसलिए लिया गया क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में जो होता है, कैनाल के अलावा जो होता है जो ग्लैंड होती है वो, तो ग्लैंड में जैसे सैलिवरी ग्लैंड होता है, लीवर होता है, और पैनक्रियाज माने कि जो ग्लैंड होती है जिसको ग्रंथि कहते हैं, वो ग्लैंड या ग्रंथ होती है। और इसमें नंबर वन होता है सैलिवरी ग्लैंड होता है, सैलिवरी ग्लैंड, और नंबर सेकंड होता है लीवर होता है, लीवर होता है, और थर्ड होता है पैनक्रियाज। तो वास्तव में ये तीन ग्लैंड होती हैं और जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड इसके पहले के वीडियो में ऑलरेडी हो चुका है, इसको आप देखिएगा। तो आज हम लीवर आपको सेकंड ग्लैंड जो होता है लीवर के बारे में आज हम डिस्कस आपसे करने चल रहे हैं जो है वो। अब आती बच्चों जो लीवर आज हिपार होता है, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड कौन सी होती है, तो नाम आता है लीवर का नाम आता है वो। तो लीवर जो होती है ये चॉकलेट कलर की होती है, इसका कलर जो होता है वह चॉकलेट कलर होता है। और यह जो है डायाफ्राम के नीचे जो होती है यह सही होती है, और मेसेंट्री माने उसके ठीक नीचे मेसेंट्री होती है, मेसेंट्री, तो मेसेंट्री पर जो है वो द्वारा सभी, और एक कोमल किंतु ठोस, और बाइलोब, देखिए यहाँ पर दो पाल बटा होता है, ये राइट लोब होता है और ये क्या होता है लेफ्ट लोब होता है, और दोनों लोब को जोड़ने के लिए बीच में क्या होता है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है, जो कि दोनों लोब को माने लेफ्ट लोब को और राइट लोब को जोड़ने का एक काम करता है वो। अब आती है कि जो राइट लोब होता है, अच्छा एक बात और, इसका जो वेट होता है वह लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, माने 1.5 किलोग्राम इसका जो है टोटल वेट होता है। और लीवर की लंबाई जो है यह 15 से 22 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई जो होती है 15 से 22 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब आती है कि इसका जो राइट लोब होता है वह तीन भागों में बटा होता है, एक देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेट पोर्शन होता है, और सेकंड जो होता है माने कि क्वाड्रेट लोब होता है, माने कार्डेट, ये देखिए जो राइट लोब होता है एक ये वाला पोर्शन हो गया, और सेकंड क्वाड्रेट लोब होता है, और अगला होता है क्वाड्रेट लोब, और अगला होता है कार्डेट कहलाता जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि माने कि इसके अलावा एक गॉल ब्लैडर होती है जिसे कि पित्ताशय कहते हैं, क्योंकि बाइल का फॉर्मेशन लीवर करती है, लेकिन इसका स्टोर जो होता है गॉल ब्लैडर या इसको पित्ताशय, तो पित्त की थैली होती है इसको पित्ताशय कहते हैं। और ये जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय की जो लंबाई माने की क्या मतलब कि जो पित्ताशय जो लीवर माने कि यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर होता है इससे लगभग 800 से 1000 एम एल जो है
डेली बाइल का स्राव होता, सिक्रेशन होता है, और जाकर के ड्यूडेनम माने कि उधर पैनक्रियास से उधर और एक गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट निकल करके एक क्या काम करती है, कॉमन बाइल डक्ट बन करके ये जो होता है बाइल को ड्यूडेनम में पहुंचाने का काम करती है। तो बाइल जो होता है एक ऐसा जूस होता है जो कि डाइजेशन, इसमें तो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं वो, किंतु क्या काम करती है डाइजेशन में जो होता है ये हेल्प करती है वो, क्योंकि बाइल पित्त जो पित्त होता है इसमें ये बसा का माने जो फैट खाते हैं उस फैट का इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण करने का काम जो होता है हमारी बाइल करती है। और इसके अलावा अगर फूड पार्टिकल में बाहर से हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं तो उसको भी एक किल करने का ये काम करता है जो है वो। और इसके अलावा क्या काम करता है, भोजन को माने एसिडिक से एल्कलाइन बनाने का ये काम करता है, क्योंकि इसका पीएच जो है वो 7.3 से 7.5 के आसपास जो इसका पीएच मान पीएच वैल्यू होती है। तो इसलिए फूड क्या काम करता है एल्कलाइन बनाता है, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम एल्कलाइन मीडियम पे ही वर्क करते हैं वो। अब आती है बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो पित्त होता है, पित्त में मतलब कि लीवर में एक पोर्शन पोर्टा होता है, पोर्टा उसके द्वारा जो होती है पोर्टा के द्वारा हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक पोर्टर वे तो अंदर जाती है और हिपैटिक वेन और हिपैटिक डक्ट जो होता है यकृत से बाहर निकलती है। अब आती है कि अगला क्या होता है, इसी लीवर में कुफर सेल्स होती हैं और लीवर या हिपार को जो होता है इसको दक्ष गृहिणी माने कि दक्ष गृहिणी का काम दक्ष गृहिणी कहा गया है, और सबसे बड़ी बड़ी जो होती है ये हमारी बॉडी में ग्लैंड कहा होती है, सबसे बड़ी जो है ये ग्लैंड होती है। अब आती है कि हम ये क्या काम करता है, फंक्शंस ऑफ द लीवर माने कि एक क्या कार्य करता है वो। तो इसमें क्या होता है कि फंक्शंस ऑफ लीवर मींस एक क्या कार्य करता है, तो फंक्शंस ऑफ लीवर तो फर्स्ट होता है तो हेडिंग आती है फंक्शंस ऑफ लीवर माने यकृत के कार्य। तो फर्स्ट फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ बाइल तो माने कि क्या काम करता है, बाइल का स्राव करता है, और बाइल जो है वो हरे रंग का एक तरल पदार्थ होता है जैसे बताया कि, और वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, और बाइल का स्टोर जो होता है गॉल ब्लैडर में होता है वो, और इस बाइल में सोडियम माने क्या मतलब इसी में बाइल साल्ट माने इसमें जो होता है बाइल साल्ट नंबर एक, और नंबर दो होता है बाइल पिगमेंट्स और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लिस्थीन ठीक है सोडियम बाइकार्बोनेट और लिस्थीन जो है इत्यादि इसमें जो होता है पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें जिसमें हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो इसमें बाइलरूबिन एंड बाइलबिलिन का निर्माण होता है जो है वो, और ये जो दोनों रगा पदार्थ जो होता है इसमें मिलते हैं वो, और ये जो होता है तो इस मतलब इसमें भी ये चीज पाए जाते हैं। तो एक क्या होता है, तो फर्स्ट क्या काम करता है लीवर जो है सिक्रीशन ऑफ द सेल्स से बाइल का फॉर्मेशन करता है। नंबर सेकंड जब फंक्शंस की बात करते हैं तो लीवर जो होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और इसकी हिंदी होती है कार्बोहाइड्रेट उपापचय। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो होता है उस क्रिया में नंबर वन होता है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। अच्छा, तो ग्लाइकोजेनेसिस में क्या काम करता है कि माने 10 ग्रेडी की अवस्था में यह आवश्यकता से अधिक शर्करा को, आवश्यकता से अधिक जो शर्करा होती है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में जो है वो, और इस कंडीशन को इसको हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं वो। और जिस समय हम फास्ट या उपवास करते हैं तो ग्लाइकोजन जो है शर्करा में टूट जाता है, और यह कंडीशन कहलाती है ग्लाइकोजिनोलिसिस कहलाता है जो है वो, ग्लाइकोजिनोलिसिस कहलाता है। इसके बाद और जब फास्टिंग करते हैं तो वसी अम्ल जैसे और ग्लिसराल, इससे भी हमारे जो लीवर होती है एक ग्लूकोज का संश्लेषण कर लेती है वो, और हम इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं वो, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है वो। तो एक कंडीशन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब आता है अगला होता है नेक्स्ट फैट मेटाबॉलिज्म, नंबर थर्ड आता है फैट मेटाबॉलिज्म, और इसकी हिंदी होती है वसा उपापचय। तो यकृत कोशिकाएं जो होती हैं फैट मेटाबॉलिज्म में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करती हैं। ये कुछ वसाओं और अन्य लिपिड्स का भी संश्लेषण करके उसके स्टोर में भी ये सहायक होती जो है वो, और ये जो होता है कुछ वसी अम्ल जैसे कि एसिल को एंजाइम का जो होता है वसी अम्लों को एसिल को एंजाइम में क्या करती है, ये विखंडन करने का ये काम करती है। और इसके अलावा ये जो होता है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, और उसको कहते हैं लिपोप्रोटीन का भी ये निर्माण करती हैं। अब आता है नंबर चार आता है डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड, और इसकी हिंदी होती है एमिनो अम्ल का डीएमिनेशन। अच्छा, इस किस क्या क्या होता है, एक कीटो अम्ल और अमोनिया जो होता है माने क्या मतलब उसका विखंडन कर देती है वो, और कीटो अम्ल का उपयोग जो है ऊर्जा उत्पादन उसमें होता है, इस कंडीशन क्या कहते हैं, इसको हम डीएमिनेशन कहते हैं वो। अगला होता है नंबर फिफ्थ सिंथेसिस ऑफ यूरिया, और इसकी हिंदी होती है यूरिया के निर्माण में। तो यूरिया के संश्लेषण में भी जो होता है ये हमारी लीवर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करती है वो। इस केस में क्या होता है कि जो अमोनिया होता है वो माने ट्वाइस एनएच3 और कोशिकाओं से निकला कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होता है कि रुधिर से, चूंकि रुधिर से CO2 लेती है वो, और यह एक विशेष प्रकार के एंजाइम और उसको हम यूरिएज एंजाइम कहते हैं, उसकी उपस्थिति में यह जो होता है CO2, ठीक है, माने कि इसमें कन्वर्ट कर देता जो है वो, इसको क्या बोलते हैं H2CO2, ये क्या होता है यूरिया होता जो है वो। तो यूरिया के संश्लेषण में जो होती है ये सहायक होती है वो। अगला होता है नेक्स्ट होता है रुधिरोत्पादन फॉर्मेशन, नेक्स्ट रोल होता है फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड कॉर्पस्किल्स। तो इसमें क्या होता है कि जिस समय
भ्रूणावस्था होती है माने एम्ब्रियनिक कंडीशन होता है उसमें यह हेमोपायोटिक हेमोपायोटिक के रूप में काम करती है वो। लेकिन इसके अलावा जो होता है जो वयस्क अवस्था क्या काम करता है इसमें जो कुफर सेल होती हैं वो जो होता है आरबीसी के ब्रेकडाउन में काम करती है बच्चों। अब इसके अलावा क्या होता है कि इसी से हिपेरिन हिपेरिन का स्राव होता है जो कि एंटी कॉगुलेंट होता है वो माने कि ये ब्लड को क्लाट होने से बचाता है वो। और इसी से ही क्या बोलते हैं कि प्रोथ्रॉम्बिन प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजन ठीक है ये सब प्रोटीन होते हैं जो कि ब्लड को ब्लड क्लाटिंग माने रक्त को थक्का जमने से रुकने का काम करो। बच्चों इतने काम रहा लीवर का मुख्य काम हुआ जो है वो। और काम क्या काम इसके अलावा क्या काम करता है ये विटामिन ए का भी संश्लेषण में हेल्प करता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगले टाइम आपको हम स्टोमक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इसको लाइक करिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना पर्याप्त है वो।